हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहनीश दवान। प्रज्ञा विडोबल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय का परीक्षा परिणाम के बारे में बताऊंगा। और ये पूरी तरह से मेरिट सूची भी जारी किया गया है। आप लोग को इसमें चार आवासीय विद्यालय का लिया हुआ रहेगा और इसमें अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया गया है। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को किस वेबसाइट में जाना है उसको बता देता हूँ। यहाँ पर जाना है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का। तो ये इनका एड्रेस है, इसको क्लिक करते ही आपके सामने यह वेबसाइट ओपन हो जाएगा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का। और इसी में प्रयास के रिजल्ट जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले वाला लिंक को क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने एक सूचना आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर, कब जारी किया गया, 10/8/2023 को जारी किया गया है। और विषय में लिखा है नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा नौवीं प्रवेश के संबंध में, ठीक है। चयन और प्रतिशत सूची यहाँ पर प्रकाशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग बता देता हूँ, इसी वेबसाइट में आप लोग को जाना है, पूरा रिजल्ट देखना है। तो अब इसमें दिया है विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि 18/8/2023 18/8/2023 तक आवंटी विद्यालय में प्रवेश लेवे। तो मतलब जिसमें आपके मेरिट सूची में जो दिया हुआ है विद्यालय, उसमें आवासीय विद्यालय का जो जो भी नाम दिया है उसमें उसी के आधार पर आपको जाना है। वैसे में इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है नवीन आवासीय विद्यालय, तो वहां पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कहाँ पर जाना है। इसका मैं वेबसाइट थोड़ा ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी क्लिक कर सकते हो जिसमें आपने चयन किया है, जैसे ओबीसी बाय रायपुर, ओबीसी गर्ल्स बिलासपुर, एससी बाय स्कूल दुर्ग पाटन, एससी गर्ल्स, अपने अपने वर्ग के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक किया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ इसमें क्या क्या जानकारी दिया गया है। जैसे हमने इसको क्लिक करके ओपन किए हैं, नवीन प्रयास बालक अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय सद्दू रायपुर की कक्षा नौवीं प्रवेश हेतु चयन सूची, यहाँ पर चयन सूची जारी किया गया है, ठीक है। 25/6/2023 को परीक्षा हुआ था। तो यहाँ पर अंकों के आधार पर मेरी सूची तैयार की गई है। यहाँ पर सीरियल नंबर, उसके एरोन नंबर, रोल नंबर, मार्क्स दिया हुआ है, स्टूडेंट का नाम दिया है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, फादर्स नेम दिया है और डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पर अलग अलग जिले दिया हुआ है। तो आप लोग फॉर्म भरते समय नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू का चयन किए होंगे। इसके अलावा भी और आवासीय विद्यालय हैं, तो उसका आप लोग ऐसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम एसी बाय को क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होगा, ये हो गया, ये इसको ओपन कर सकोगे, ठीक है। इसको मैं सीधा कर देता हूँ, ये लो सीधा कर दिया। ये आपका दुर्ग पाटन का मैं ओपन कर दिया हूँ। ये अलग विद्यालय यदि आपने चयन किया तो इसी सूची में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जितना सीट दिया है उस हिसाब से दे दिया हुआ है। जैसे ये अलग देखते हैं, इसको रोटेशन करते हैं, ये रोटेशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर दिया है दिव्यांग विद्यार्थी के लिए भी अलग सीट निर्धारित किया गया है, दिव्यांग विद्यार्थी के लिए, दिव्यांग माता पिता, अनाथ बच्चे, विधवा माता के बच्चे, परित्यक्त महिला बच्चे, तो यहाँ पर इस टाइप का दिया हुआ है। समान अंक होने पर विद्यालयों का क्रम जन्म तिथि में वरिष्ठता के आधार पर तैयार किया गया, मतलब जिसका जिसका जो सेम सेम रहता है डेट ऑफ बर्थ, वो तो वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। जिसका भी वैसे ही आया होगा, लास्ट में देखते हैं, ये यहाँ पर दिया है पूरा, ये वेटिंग लिस्ट है, ये यहाँ पर आपका वेटिंग लिस्ट दिख रहा है। इसको रोटेशन कर देता, ये आपका वेटिंग सूची है। जैसे भर्ती होते समय यदि रिक्त सीट पाया जाता है तो आपके वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो अपना अपना नाम इसी सूची में अवश्य देख लेवे और 18 तारीख से पहले आप लोग वहाँ एडमिशन ले ले, ठीक है। अगर लेट होगा तो आपको कभी नहीं लिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे जाति है,
आपका निवास है ये पूरा स्थायी रहना चाहिए, और उसके बाद दूसरा चीज आपका अंक सूची, ओरिजिनल अंक सूची रहना चाहिए, और साथ में आप 2-3 सेट फोटोकॉपी भी ले जा सकते हो इसका, वैसे वहां आप जाके बताएंगे। उसके बाद रंगीन पासपोर्ट, पासपोर्ट फोटो भी ले जा सकते हैं, बैंक का पासबुक है, उसके आधार कार्ड है, तो इससे बेटर है कि अपना फाइल को उठाकर ले जाए, ठीक है, कहीं भी मंग लेते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया, मैं आप लोग को पूरा मेरिट लिस्ट भी दिखा दिया नवीन प्रयास वासी विद्यालय का, तो आप लोग जल्दी से यहाँ पर जाइएगा। वहां पर अगर जो लोग नहीं गए हैं, भर्ती नहीं लिए हैं, वो जो कि आखिरी डेट 18 तारीख तक है, ठीक है, और ये 10 तारीख से जारी कर दिया गया था। ठीक है, आज का वीडियो पास इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।